बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। अब चाहे आपने प्रोफेशनल लैपटॉप लेना और या फिर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, इसी बजट के जितने भी सबसे बेस्ट लैपटॉप हैं वो आपको सारे बताऊंगा एंड जो लैपटॉप आपने इसी बजट के नहीं बाय करने वो भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि लैपटॉप आपने सिर्फ और सिर्फ 12th या फिर 13th जनरेशन वाला बाय करना है। कोई भी 11th जनरेशन का लैपटॉप नहीं लेना हमने, क्योंकि 2023 चल रहा है एंड आपने 50,000 रुपए का लैपटॉप बाय करना है, 11th जनरेशन बिल्कुल बाय नहीं करना। एंड एक और चीज है, देखो काफी लैपटॉप है जिनके प्राइस अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। कई ऐसे लैपटॉप जो कि लास्ट वीक तक 50,000 रुपए के थे, अब उनका प्राइस 55,000 से 60,000 रुपए हो गया। तो सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप आपने किस प्राइस पॉइंट पे बाय करना है। सारे लैपटॉप के अंदर आपको एमएस ऑफिस मिल जाएगा। लैपटॉप की जो रैंकिंग है ना वो मैंने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग की है, तो वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप की। अपनी वीडियो का सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है एचपी का HP 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, साथ में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। लाइफ टाइम एमएस ऑफिस हमें इसके साथ दिया गया एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। 47,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। प्लास्टिक बिल्ड बॉडी मिल जाती है। 1080 फुल एचडी प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में। इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन, 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला। देखो ये जो 1315U प्रोसेसर है ना, वो 12 जनरेशन के 1215U का सक्सेसर प्रोसेसर है। दोनों की परफॉर्मेंस में एक्चुअल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक जनरेशन चेंज होने के कारण ना परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में। DDR4 रैम है 3200MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी TN एंटीक्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 250 की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के USD ग्राफिक्स है। 4GB शेयर्ड मेमोरी। MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी बेसिक नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको लैपटॉप में। फुल साइज कीबोर्ड दिया गया अलॉन्ग विद नमपैड एंड इसके अंदर आपको बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है। HP लवर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है डेल का, डेल इंस्पिरॉन 3525। 48,500 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड ये इस बजट में स्पेसिफिकली डेल ब्रांड का बेस्ट लैपटॉप है। AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, 5625U, 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। देखो ये भी जो प्रोसेसर है वो 5500U का सक्सेसर प्रोसेसर है। दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपके सामने आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों के स्कोर्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें लैपटॉप की एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम मिल जाती है। DDR4 रैम है 3200MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी WVA एंटीक्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया एंड इसी के साथ ही आपको 1.5 साल के लिए McAfee का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। 1 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। गो फॉर इट, काफी बढ़िया लैपटॉप है डेल का। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि सेम प्रोसेसर के साथ अगर आपको 14 इंच के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए ना, तो आप HP Pavilion 14 लैपटॉप को बाय कर सकते हो। उसका प्राइस अराउंड 58,000 रुपीज तक है। लेकिन एक चीज है कि जो Pavilion सीरीज है ना HP की, वो एक प्रीमियम सीरीज है, दैट्स व्हाई इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप के अंदर सारे स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है। सेम प्रोसेसर, सेम रैम एंड स्टोरेज एंड दोनों के एक्सपेंशन ऑप्शन भी आपको सेम मिल जाती है। दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला लैपटॉप है एसर का, एसर एस्पायर 5 लैपटॉप। ये भी एकदम ही लेटेस्ट लैपटॉप है। इसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है एंड साथ में आपको IPS डिस्प्ले दे रखी है, तो इसकी जो डिस्प्ले है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देखो लैपटॉप का करंट प्राइस चल रहा है 55,000 रुपीज, बट नॉर्मली ये लैपटॉप आपको 52,000 के आसपास मिल जाएगा। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 1335U, 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। देखो हमने अभी तक दो प्रोसेसर देखे हैं, 13 जनरेशन का 1315U एंड Ryzen 5 5625U। दोनों के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। तीनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। i5 का 13 जनरेशन एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। रैम लैपटॉप की एक्सपेंडेबल नहीं है, बट इसके अंदर हमें LPDDR5 रैम मिल जाती है, विच इज लेटेस्ट रैम। 8GB की रैम है, विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512GB की Gen 4 SSD है। बाकी सभी लैपटॉप के अंदर आपको Gen 3 SSD मिल रही है, बट इसके अंदर आपको Gen 4 SSD मिल रही है, विच इज एक्सपेंडेबल। एंड Gen 3 और Gen 4 एक जनरेशन चेंज होने के कारण ना काफी ज्यादा रीड एंड राइट की स्पीड के अंदर डिफरेंस आ जाता है। Gen 4 SSD की स्पीड काफी ज्यादा बेटर है। 14 इंच की डिस्प्ले साइज में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। WXGA IPS Acer ComfyView डिस्प्ले मिल जाती है। IPS डिस्प्ले है, लंबे टाइम तक भी यूज करोगे ना इसे, आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला। 45% NTSC है। इंटेल के IRIS ग्राफिक्स हो गए। MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स है लैपटॉप में एंड इसका जो वेट है ना, दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। ये लैपटॉप बहुत ही ईजी है कैरी करने के लिए। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगला लैपटॉप है Asus का Asus YoBook 16X लैपटॉप। देखो बहुत ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है एंड ऑल्सो वन ऑफ दी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया एच सीरीज का प्रोसेसर। एच सीरीज का प्रोसेसर सबसे पावरफुल प्रोसेसर होता है लैपटॉप के अंदर, हम इसके ऊपर हैवी काम कर सकते हैं। देखो राइजन 5 प्रोसेसर है 5600H, तीन सीरीज के अंदर आपको मार्केट के अंदर प्रोसेसर मिलते हैं यू पी और एच। यू सीरीज के जितने भी आपको प्रोसेसर मिलते हैं ना उनके ऊपर हम ज्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, बट उनका बैटरी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। पी सीरीज के प्रोसेसर उससे थोड़े बढ़िया होते हैं, उनका बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाता है। एंड जो एच सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, एच सीरीज के प्रोसेसर होते हैं गेमिंग सीरीज वाले, इसके ऊपर हमने जैसे मर्जी हैवी काम करने है ना वो सारी चीजें हो जाती हैं। आपको इसी पीरियड के अंदर ना जितने भी गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, राइजन अगर आप बाय कर रहे हो ना तो आपको यही प्रोसेसर मिलेगा इस पीरियड में। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, 50,000 rupees लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है। 8GB की रैम है DDR4 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 inches की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, फुल HD प्लस WXG एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स दिए गए लैपटॉप में, MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा आपको, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ में। ये लैपटॉप आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दिया गया, बेस्ट पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप ऑनर का, ऑनर मैजीबुक X16 लैपटॉप। अब ये लैपटॉप एक्चुअल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरे ध्यान से इस लैपटॉप को देखना। एक तो ये लैपटॉप बहुत ही इजी है कैरी करने के लिए, इसके ऊपर आप गेमिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, अगर आपने लाइट 4K एडिटिंग करनी है ना कम लेयर्स के अंदर तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 49,000 rupees। देखो प्राइस इसका 49,000 rupees है, बट इसके अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल जाती है ना वो किसी भी 60,000 वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में कम नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज कि इसके अंदर हमें मिल जाती है मेटल बॉडी। देखो मेटल बॉडी होने के कारण लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट पावर बटन मिल जाएगा आपको लैपटॉप में। प्रोसेसर देखो इसका i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला 12450H। सिंपल चीज है कि H सीरीज का प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है और लेटेस्ट 12 जनरेशन का। अभी तक के जितने भी हमने लैपटॉप इस वीडियो के अंदर देखे है ना उन सब के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। 8GB की रैम दे रखी है 4266 MHz वाली एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। ये सेम लैपटॉप आपको 16GB की रैम के साथ भी मिल जाएगा, बट इस 8GB रैम मॉडल के साथ आप एक्सपेंड नहीं कर सकते रैम को। आपके लिए 16GB रैम वाला लैपटॉप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा मैं, साथ में 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। एक और चीज है, देखो लैपटॉप आपको दोनों ही डिस्प्ले साइज में मिल जाता है, 14 inches एंड 16 inches। जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ वो 16 inches की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 300 nits की पीक ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 100% sRGB। देखो डिस्प्ले इसकी एक्चुअल में इतनी बढ़िया है, एक तो बड़ी साइज की डिस्प्ले है, एडिटिंग करते हुए गेमिंग करते हुए काफी ज्यादा इजी हो जाता है बड़ी डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए। एंड अगर आपने डिजाइनिंग वाले काम करनी है ना, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप यूज करनी है जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसके लिए भी ये डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया रहेगी। इंटेल के USD ग्राफिक्स है, MS Office आपको एक साल के लिए मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, टाइप सी चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि ऑनर के सर्विस सेंटर एक्चुअल में इंडिया में काफी कम है, तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। ये लैपटॉप आपको दोनों डिस्प्ले साइज में मिल जाएगा एंड सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। देखो ऑनर जो ब्रांड है ना वो इंडिया में वापस से एक्टिव हो रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके, तो आपने ये लैपटॉप भी जरूर कंसिडर करना है। अगला लैपटॉप Asus का Asus YoBook 15 लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है ना इसे मैं पर्सनली स्टूडियो में कब से यूज कर रहा हूँ, ये लैपटॉप आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि इसका जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ये लैपटॉप आपको 50,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, कभी आपको ये मिलेगा 56,000 के करीब। एंड सेकंड थिंग, लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। देखो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है अपने प्रोडक्ट को बढ़िया करने के लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है बाय कंपनी, तो ये लैपटॉप आप थोड़ा बहुत रफ टफ यूज कर सकते हो, आपका लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ में एंड साथ में आपको एंटीवायरस एक साल के लिए मिल जाता है McAfee। i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, गेमिंग प्रोसेसर है 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो जैसा कि मैंने आपको ऑनर के लैपटॉप में बताया था ना कि जो 12450H है वो अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, ये उससे भी बढ़िया है। इस बजट के अंदर आपको जितने भी मार्केट के अंदर प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, चाहे वो राइजन है या फिर इंटेल है, उन सब के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट प्रोसेसर ये वाला है। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 220 nits की ब्राइटनेस, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, या फिर आपको वो लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का यूज करना है।
सबसे पहला लैपटॉप है लिनोवो का लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। ये इस पीरियड का टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। आपने स्कूल या फिर ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप बाय करना है या फिर आपने गेमिंग करनी है, बिंदास हो गए इसके ऊपर आपकी सारी चीजें चल जाएंगी। प्राइस इसका भी फ्लक्चुएट होता रहता है, 51,000 से लेकर 56,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अब गेमिंग की बात करें तो कौन सी गेम इसके ऊपर चल जाती है, वैलोरेंट होगी, गॉड ऑफ वार होगी, GTA 5 होगी, इसी क्लास की जितनी भी गेम्स है ना वो सारी इसके ऊपर एकदम इजीली चल जाएंगी। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है, राइजन 5 5600H प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। बेंचमार्क स्कोर्स इसके आपके सामने हैं। इसी बजट के अंदर जो आपको i5 का 11 260H मिल जाता है ना प्रोसेसर, उसके कंपैरिजन में बढ़िया स्कोर्स राइजन 5 5600H के हैं। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4M 3200MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की फुल HD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 215Hz की ब्राइटनेस, 45% NTSC। अब इसके अंदर आपको दिया गया डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB का TGP 50W है। जितने भी पॉपुलर गेम्स हैं GTA 5 होगी, COD Warzone होगी या फिर Valorant होगी, इन सबके FPS स्कोर्स आपके सामने है, ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस आपके सामने, वीडियो को पॉज करो अच्छे से चेक कर लो। MS Office आपको 1 month ट्रायल बेसिस पे मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 2-3 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया। अब इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी एक्चुअल में काफी बढ़िया है। रैपिड फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 4-zone वाइट बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको विद ई कैमरा शटर, एक्सबॉक्स का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप फॉर यू गाइस, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अगला लैपटॉप है Acer Aspire 5 लैपटॉप। लुक्स वाइज ये लैपटॉप है टोटली प्रोफेशनल, बट इसके अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो मिलती है आपको गेमिंग लैपटॉप वाली। 53,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, टॉपलेट मेटल की है, बॉटम प्लास्टिक है, i5 का 1240p प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला, काफी बढ़िया प्रोसेसर है ये भी। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले, 250Hz की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC। ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 2050 35W TGP वाला 4GB का, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। MS Office 2021 1 week ट्रायल वर्जन पे मिलेगा आपको, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, फिंगरप्रिंट रीडर एंड साथ में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है Acer का इस पीरियड का, गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यार, दीज आर द बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इन 2023। सिंपल चीज है, आपको प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए तो उसके बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं, एंड अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उसके भी एकदम जो बेस्ट ऑप्शन आपको इसी बजट के अंदर मार्केट में मिलते हैं वो भी आपके सामने है। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि सबसे पहले आपने अपना पर्पस डिसाइड करना है कि मुझे लैपटॉप किस चीज के लिए बाय करना है, गेमिंग या फिर प्रोफेशनल यूजेज। आफ्टर दैट जो भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपको जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के बेस्ट लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए मैंने, बट इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज जरिए से लाइक एंड शेयर करें। Don't forget to subscribe to our channel guys. Thanks for watching the video. Peace out.